नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं, बताने ही नहीं वाला हूं, आपको एक फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें जो है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी निश जो है रिसर्च करके रखी हुई है, जो कि प्रॉफिटेबल निश है, जो कि ऑल टाइम जो है आपको काफी ज्यादा रेवेन्यू दे सकती है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। स्पेशली रिसर्च करिए, जो कि मैं खुद के पर्पस के लिए भी, आप खुद के एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज करता हूं। सो अब थोड़ा सा जो है निश को, ये फाइल को आपको प्रोवाइड करने से पहले जो है कुछ चीजों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये चीजें क्या हैं, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है निश को इस्तेमाल करते वक्त, ही जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको निश जो है किस तरह से यूज करनी है। मैं आपको डेफिनेटली कुछ मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी है, क्योंकि रिसर्च करते रहना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी प्रॉफिटेबल निश है जिसके ऊपर आप काम करो और काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल पाए। सो मैं खुद के लिए जो निश मैंने रिसर्च करके रखी हुई है प्रॉफिटेबल, तो वही लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वो फाइल को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके जो है आप उसको इस्तेमाल करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने क्योंकि आपको जो फाइल मिलने वाली है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की निश है, मेन कैटेगरी अलग है, उसकी सब कैटेगरीज भी मैंने आपको दी है। तो यहां पर जो है ये सारी चीजों को आप डाउनलोड करें, उसके बाद आप कोई भी निश उठा के काम करना स्टार्ट करें। उससे पहले आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही निश कौन सी है आपके लिए, क्योंकि ये जनरली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन लोग क्या करते हैं कि किसी यूट्यूबर ने या फिर किसी ब्लॉगर ने बोल दिया कि ये निश जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, तो यहां पर जो है वो उसी निश को लेके काम स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली जो है उनको क्या मिलता है, फेलियर मिलता है, उसके ऊपर उनको काफी ज्यादा जो है निराशा हो जाती है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो काम नहीं करता। ये जनरली ट्रेंड बना हुआ है जो अब तक मैंने रिसर्च करा है। लेकिन मैं आपको यहां पे निश को इस्तेमाल करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि देखो, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी एक क्षमता होती है कि किस चीजों को किस तरह से वो हैंडल कर सके। हर किसी के पास अलग अलग तरीके होते हैं। अब मेरा एग्जांपल लेता हूं कि मेरा ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो मैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैं जब मेरा हॉबी भी वही है और मेरा इंटरेस्ट लेवल भी वही है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे हिसाब से जो निश है वो मैं टेक्नोलॉजी की निश इस्तेमाल करता हूं, ताकि मैं कभी भी उसमें आगे चल के बोर ना हो जाऊं। स्टार्टिंग में किसी के कहने पे जो है हम उस निश को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका उस निश के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इनिशियली मैं गारंटी देता हूं कि 1-2 महीने ही आप काम कर पाओगे, उसके बाद आपको उसमें काम में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी हॉबी नहीं है, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, तो वहां पे जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट भी नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की निश बताई उस फाइल के अंदर दी हैं, जो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी खुद से लेनी है, अपने आप से आपको सवाल करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस कैटेगरी में काम कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, आप फैशन के अंदर काम कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम कर सकते हो, या फिर आप हेल्थ केयर के अंदर काम कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ में है, आपका जिस भी तरफ इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबी है, जिसके अंदर आप चाहते हो आगे चल के, आपका ड्रीम है कि आप उस कैटेगरी के अंदर किंग बन जाओ, तो उसी निश को सेलेक्ट करें जो मैंने फाइलें दी है। वैसे तो बहुत सारी निश है, लेकिन उसमें से आपको जो है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से निश को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर फिर काम करना है। तो ऐसा करने से अगर आपका इंटरेस्ट उस निश में होगा, अगर आप उस निश को ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप जो है जैसे उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको वहां पे क्या मिलने लग जाएगा, वापस से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जब रिजल्ट मिलेंगे तो यहां पे इनिशियली अगर 2-3 महीने तक, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कोई मैजिक नहीं है होने वाला, यहां पे कोई जादू नहीं होता है, यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरे एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, जो पूरे इस कोर्स के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारी चीजें करने के साथ साथ जो है आपको फिर क्या होता है कि आपके पास काम बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे काम बढ़ता है, वैसे वैसे आप फिर अगर आपका इंटरेस्ट लेवल उसमें नहीं है, तो आप क्या होने लग जाते हो, वहां पे डीमोटिवेट होने लग जाते हो, आपका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है, और ऐसे में जो है आप फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है,
पाते हो, फेल हो जाते हो। तो इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एक सवाल जो मैंने आपसे बोला है कि आपको खुद से करना है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, और वो जो है इंटरेस्ट आपका जिस भी कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जाके आप काम करें ताकि आपका इंटरेस्ट और जो है आपकी हॉबी जो है बरकरार रहे और आपको साइमल्टेनियसली जो है यहां पे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करवाए। सो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये जो फाइल है वो आपको मिलेगी कैसे। तो मैंने अभी तक लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डाउनलोड लिंक नहीं दिया है, तो यहां से आज से हम एक टारगेट सेट करते हैं लाइक्स का। अगर इस वीडियो के ऊपर जो है 10 लाइक आ गए तो जैसे ही 10 लाइक कंप्लीट होंगे मैं उस वीडियो का, उस पूरे निश की जो फाइल है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां पे डिक्लेयर कर दूंगा। और डिक्लेयर करने के बाद आप मुझे जो जो भी लाइक कर रहे हो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊं, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि जो भी आपका लिखना है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको जो भी लगा है आप अपने हिसाब से कमेंट लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है इस पूरे कोर्स से रिलेटेड। तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने लाइक भी करा है और इसीलिए आपने कमेंट करा है। तो जैसे ही वो लिंक में 10 लाइक पूरे हमारे इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं तुरंत जो है अपलोड करने के बाद आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए होंगे वहां पे रिप्लाई कर दूंगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कि यहां पे लिंक जो है अवेलेबल हो चुका है ताकि आप उसको डाउनलोड कर पाए और अपने एफिलिएट मार्केटिंग का जो सफर है वो शुरुआत कर पाए। अभी तो बिगिनिंग है, बहुत कुछ बाकी है इस कोर्स के अंदर जो आपको सीखना है, करना है, और फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है हम एफिलिएट मार्केटर्स की यहां पे इस पूरे चैनल के ऊपर खड़ी करेंगे। सो दोस्तों आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।